नमस्कार, हमारी खास सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। भगवान राम, राम का नाम ही एक इंसान के जीवन को सफल करने के लिए काफी है। दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। टीवी पर तो हम सभी ने रामायण देखी है, कई बार देखी है, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। और कुछ ऐसी ही है प्रभु श्री राम की जन्म कथा। आज राम आएंगे की विशेष प्रस्तुति में हम आपको श्री राम की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे आप अनजान होंगे। अवध के महाराजा दशरथ, चारों ओर उनका प्रताप था। रघुकुल के सम्राट महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराज दशरथ ने श्यामकरण घोड़े की चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों और वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता रिंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट की गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। सबसे पहले महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, इसके अलावा बृहस्पति और शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में केकई और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। केकई का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट किए। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वो कम आयु में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। वो हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी में आदि। वो अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण किया करते थे। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। उनके लिए राजमहल में भी शिक्षण की व्यवस्था हो सकती थी, किंतु आश्रम इसलिए भेजा गया ताकि एक अनुशासन के भीतर रहकर वो शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करें। चारों राजपुत्रों ने आश्रम में रहकर सामान्य शिष्यों की तरह परिश्रम किया और पूर्ण अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण की। जब वो शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर अपनी समस्या बताते हुए कहा, वन में स्थापित हमारे आश्रमों को राक्षस नष्ट कर रहे हैं। वो हमें यज्ञ नहीं करने देते और हमारे युवा ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं। हमारी संस्कृति खतरे में है। कृपा कर आप अपने दो पुत्र राम और लक्ष्मण के रक्षार्थ हमें प्रदान करें। दशरथ तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका विचार था कि राजकुमारों ने अपनी शिक्षा आश्रम में रहकर प्राप्त कर ली और अब उन्हें राजमहल में ही रहकर आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, राजन, इन्हें विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए,
क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उन्हें उन्हीं से प्राप्त होगा। दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया और राक्षसों का दमन कर उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवहारिकता ग्रहण की। किताबी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान तक पहुंचकर ही पूर्णता पाता है, इसीलिए अपनी संतानों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी जरूर दें। भगवान राम से जुड़ी तमाम किस्से कहानियां हम अपनी इस सीरीज में आपको आगे भी बताते रहेंगे। इंडिया न्यूज के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।